निफ्टी क्या राय बन रही है सर? इधर पिछले कुछ दिनों के अंदर में बढ़िया तेजी पकड़ी है और बहुत सारा वोलेटिलिटी, आज की एक छोटी सी थोड़ी सी कमजोरी गिरावट ये, लेकिन ओवरऑल क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर, और क्या लेवल्स देख रहे हैं जहाँ पे नजर है? देखिए, अभी 17,250 के आजूबाजू हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये रैली जानी चाहिए 17,800 और 900 के बीच तक। तो यहाँ से अच्छा खासा रैली और हो सकता है, करीबन 500 एक पॉइंट का। बस एक एक कंसर्न ये है कि मतलब बहुत फास्ट हम लोग रिकवरी देख लिए है। जितना मतलब एकदम मार्केट डाउन था और उसके बाद में एक तरफा रैली आके और फिर कंटिन्यूस बाइंग आके हम लोग आज इधर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है एलेक्स। तो मुझे लगता है कि ऐसे वन साइडेड रैली होने के बजाय यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो अच्छी बात है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, इनफैक्ट कल भी ऊपर खुले अच्छा खासा हम लोग ट्रेड कर रहे थे, फिर एक करेक्शन आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आई और आज हम लोग डाउन ट्रेड कर ही रहे हैं। और ये अगला करेक्शन का रीजन कहाँ से आएगा ये नहीं बोल सकते। देखिए, अभी चाइना और ताइवान के बीच में क्या होने वाला है ये नहीं मालूम। तो अगर वहां पे अगर टेंशन रशिया और क्या नाम है उसका, रशिया प्लस यूक्रेन के जैसे अगर कुछ हो जाए तो फिर हो सकता है एक वो एक रीजन बने। लेकिन हाँ, एक छोटा सा अगर करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं करीबन 17,800 और 900 के बीच में टेस्ट करेंगे ये लग रहा है, तो काफी बुलिश लग रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो करीबन 59 और 60,000 के बीच में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं उसके चलते विवेक जी कह रहे हैं थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है बाजार के अंदर में। और वो मैं सवाल में पूछता सर, तो वो आपने एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर ही दिया है, तो मुझे उस पर फिर अब दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं कि उसका कितना असर हो रहा है या उसके वजह से क्या देखते हैं। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कुछ डिफरेंस या कोई स्ट्रेटेजी में, या बहुत ही सब कुछ सेम है, बस 2-4 दिन का आगे पीछे का फर्क होगा? तो बैंक निफ्टी भी काफी बुलिश लग रहा है मुझे। इनफैक्ट यहाँ से और 1,000 एक पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, करीबन 38,800 दिख रहा है मेरे सिस्टम पे की पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर काफी रिकवरी दिया है पिछले एक हफ्ते में और लग रहा है कि वो सेगमेंट अभी भी स्ट्रांग है। तो आप कोई भी बैंक्स ले लो, इनफैक्ट PSU बैंक्स काफी स्ट्रांग थी कल, और प्राइवेट बैंक्स भी, इंडसइंड बैंक देखो अचानक क्या रिकवरी दिया उस बैंक ने भी। तो फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल बुलिश है और मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी मतलब ओवरऑल करेक्शन नहीं आता है तो जो मैंने लेवल्स बोले 17,800-900 के बीच में और ये करीबन 38,800 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है, तो वहां पे जाके हो सकता है कि हम लोग एक छोटा मोटा करेक्शन देखें। लेकिन हाँ, अभी जो हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा करेक्शन भी आते जा रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, और धीरे धीरे अगर ऊपर गए, ये जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ अगले 1 महीने या 2 महीने में हुए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इतना इतना वो फ्रॉथ नहीं बचेगा मार्केट। ठीक है, तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगा और उसके आगे फिर अगली तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे शायद, उस हिसाब से शायद मेरे ख्याल से विवेक जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।